महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहाँ जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा ना समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण से कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ 20-25 साल पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहार से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता था तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहार पर वो चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारी रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वो तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि कर्ण बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।